ओके दोस्तों, तो आज के हमारे डेली डोज में कौन आ गया भाई, कौन आ गया भाई, कौन आ गया भाई? ट्रिग्नोमेट्री फिर से साइन थीटा और कॉस थीटा है, ठीक है, बधाई हो इनको कि ये जिंदा है। क्लियर? क्या कर रहा है? यहाँ क्यूब बोल रहा है, यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल। अच्छा, सिमेट्रिकनेस दिख रही है। अगर थ्योरेटिकल सवाल हो तो हम इसे सॉल्व करने में समय इन्वेस्ट करते वेस्ट की जगह। अब हम क्या करें यार भाई, लेते हैं 30, 60, 45, 90, 45 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे दो ऑप्शन है जो सेम आ जाएंगे, हाँ है ना? तो 30 लेते हैं, ठीक है। साइन 30 लिया तो 2 साइन 30 इज 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय रूट 3/2 इज अ पेन माइनस 2 टाइम्स 3√3/8 लिख दो, मेरे को अब तक एक्सपीरियंस हो गया, हाँ है ना? यहाँ का देख के ये 2 1/8 हो गया, 1/8 इंटू 2 1/4, 1/4 माइनस 1/2 इज माइनस 1/4 इज इन द न्यूमरेटर, 2 से ये गया 4, एलसीएम हो गया 4, क्लियर? 2√3 माइनस 3√3 इज माइनस √3। 30 डिग्री पर टैन होता है 1/√3 और मुस्कुराते हुए मेरा आंसर हो चुका है, क्लियर? आपको दिख भी रहा होगा कि अगर आप ये कॉमन लेते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन बताऊं अगर मैं तो, अगर आपको दिख रहा है कि आप साइन थीटा और कॉस थीटा को कॉमन लेते तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन आता, नीचे से कोसाइन थीटा कॉमन आता, ऊपर आपको दिखता 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे आपको दिखता 1 माइनस 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा। अगर गौरतलब हो तो ये नेगेटिव ऑफ कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है और ये भी नेगेटिव ऑफ कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, नेगेटिव से नेगेटिव, कॉस थीटा से कॉस थीटा से कॉस थीटा उड़ी, वैसे भी टेन थीटा आंसर हो गया। मैंने दोनों तरीके से बता दिया भाई, आपका राम, आपको चुनना है।